सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनके एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डीएनके एकेडमी। बात करेंगे आज के हमारे वीडियो में, क्या होता है वाले वीडियो में, डीमैट खाता, यानी कि डीमैट खाता क्या होता है, कैसे काम करता है, आवश्यकता क्या होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पूरी डिटेल्स से समझेंगे हम डीमैट खाता आखिर क्या होता है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.dkmbpscacademy.com को विज़िट कर सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज आप ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। निवेदन एक और करूंगा मैं, जो कि हर एक वीडियो में कर रहा हूं, कि आप इन वीडियोस को, जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, पूरा देखा करें ताकि आपको इनका पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके और आपका जो समय है उसका मैक्सिमम यूज़ हो सके। साथ में हम जो मेहनत करते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए, ताकि हमारी जो मेहनत है उसकी भी वैल्यू हो सके, तो इन वीडियोस को आप पूरा देखा करें। इसी निवेदन के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला समझने की प्रयत्न करते हैं कि डीमैट खाता होता क्या है। देखिए, जैसे हम अपने खाते में, जैसे बैंक खाता जो होता है उसमें हम पैसे रखते हैं, वैसे ही हम अपने शेयर डीमैट खाते में रखते हैं। जी, शेयर क्या होते हैं, कंपनियां, बीपीओ वगैरह जो कंपनीज जारी करती हैं, उन शेयर को जिस खाते में रखा जाता है उसे डीमैट खाता, डीमैट अकाउंट कहा जाता है। तो भी आप समझ गए होंगे डीमैट खाता आखिर क्या होता है। देखिए, यदि हम अपने बैंक के खाते से नकदी निकलवा लें और वह नकदी या करंसी पैसे का भौतिक स्वरूप है, जैसे हम जैसे एक बैंक गए और पैसा निकलवाया, तो या फिर एटीएम गए वहाँ से जो पैसा निकलवाया, तो वो करंसी का क्या है, भौतिक स्वरूप। लेकिन अगर जब हम डेबिट कार्ड जो हमारे पास होता है उसी से किसी दुकानदार को पेमेंट कर दें, तो वह खाते का क्या हुआ, पैसों का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हुआ, उसमें पैसे आपको दिखाई नहीं दिए लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गए। उसी प्रकार जब आपके पास जो शेयर होते हैं, तो या तो हम उन्हें किसी को गिफ्ट देंगे या बाजार में बेच देंगे, और दोनों ही परिस्थितियों में शेयरों का एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया जाता है, जिस तरह की हम एटीएम से किसी एक खाते से दूसरे खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में भी किया जाता है। शेयरों को भौतिक रूप से रखने की आवश्यकता नहीं होती कि आपके पास कितने शेयर हैं, इसके लिए आपको ये नहीं कि जैसे हमारी जेब में नोट होते हैं उसी तरह से शेयर भी दिखाई देते हैं। भारत में शेयर और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीमेटरियलाइज्ड यानी कि डीमैट खाते में रखा जाता है। तो डीमेटरियलाइज का जो संक्षिप्त रूप है वो डीमैट है। शेयर धारकों को भौतिक रूप से यानी कागज पर छपे हुए शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते, या वो शेयर सर्टिफिकेट ऐसे नहीं रख सकते। इसके लिए क्या करना होता है, ब्रोकर जो होता है उसके पास जाकर डीमैट अकाउंट जो होता है खुलवाया जा सकता है। ब्रोकर मतलब जो शेयर ब्रोकर होते हैं उनके पास जाकर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सभी शेयर के जो लेनदेन होता है उसमें डीमैट खाते का नंबर लिखा जाता है, जिससे कि शेयरों की जो खरीदी बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट हो सके। किसी भी प्रकार के जो शेयर होते हैं उनके लेनदेन के लिए शेयर होल्डर के पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी होता है। डीमैट खाते तक पहुंचने के लिए इंटरनेट पर पासवर्ड की आवश्यकता होती है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल को जब लॉक करते हैं तो उसका एक पासवर्ड बनाते हैं, या आपका जो ईमेल आईडी होता है उसका एक पासवर्ड होता है, तो उसी तरह से डीमैट अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपके पास एक पासवर्ड जरूरी चाहिए होता है। शेयरों की खरीदी बिक्री सौदा कंफर्म होने पर यह स्वतः ही, जैसे आप अकाउंट से आपने एंटर किया, पासवर्ड डाला, उसके बाद जो भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सौदा कंफर्म जैसे ही होता है तो फिर ये अपने आप हो जाता है। जब कोई भी कंपनी बोनस के रूप में या राइट शेयर जारी करती है, किसी के पास अधिकार के रूप में शेयर जारी करती है, तो ये जो शेयर होते हैं सीधे जो शेयर होल्डर होता है उसके डीमैट खाते में पहुँचा दिए जाते हैं। इसके अलावा आईपीओ में शेयर के लिए आवेदन करने के लिए डीमैट खाते की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आईपीओ से आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आईपीओ में आपको शेयर मिले हैं तो वे सीधे आपके डीमैट खाते अकाउंट में आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं डीमैट अकाउंट के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, डीमैट जो अकाउंट शेयर होते हैं वो
गुम नहीं होते, खराब नहीं हो सकते, चोरी नहीं हो सकते, इनमें सिग्नेचर मिलाने जैसी कोई समस्या नहीं होती है। डीमैट खातों की वजह से शेयरों की जो खरीदी बिक्री में धोखा होने की जो संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और यह बहुत सुविधाजनक भी होता है। आप कहीं से भी इन अकाउंट्स को देखकर अपने जो शेयरों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपना डीमैट खाता किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मगर उसमें पड़े जो शेयर होते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। डीमैट खाता किसी दूसरे के साथ ज्वाइंट तरीके से खुलवाया जा सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक डीमैट खाता खुलवा सकता है, और अधिकतर जो निजी बैंक होती हैं वो डीमैट अकाउंट खुलवाने की सुविधा देती हैं। इसके अलावा कई निजी ब्रोकर कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट खोले जा सकते हैं उनमें भी। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी, पते का प्रूफ देना होगा और KYC फॉर्म भरना होगा। KYC के बारे में हम एक और वीडियो में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। यदि वो नहीं वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लें। अगले वीडियो में या एक दो वीडियो के बाद हम शेयरों के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ को हम इसमें समझेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको जो जानकारी दी गई है इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चले आखिर डीमैट अकाउंट होता क्या है और उसमें कैसे ये फंक्शन करता है। साथ में हमें कमेंट करके आप अपने जिस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं उस टॉपिक को बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकें। और हमारा जो प्रयास है वो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप हमें बताएं। ये आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।